नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, अक्षय कुमार की एक और फिल्म की शूटिंग पूरी हो गई है और इसी के बारे में आज का वीडियो है। दरअसल दोस्तों, अक्षय कुमार सबसे बिजी कलाकारों में से एक है। उनकी फिल्में 2022 में हालांकि बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई है, केवल कठपुतली जो ओटीटी पर रिलीज हुई थी उसको ओटीटी पर काफी अच्छे व्यूज मिले हैं। इसके अलावा राम सेतु ठीक ठाक कलेक्शन कर पाई। बाकी जो फिल्में हैं बच्चन पांडे, सम्राट पृथ्वीराज, वो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। इसके अलावा रक्षाबंधन भी कोई कमाल बॉक्स ऑफिस पर नहीं कर पाई थी। लेकिन अक्षय कुमार की इस साल भी 5-6 फिल्में आने वाली है। इनमें सेल्फी है, इसके अलावा छत्रपति शिवाजी महाराज की वो फिल्म कर रहे हैं, मराठी मूवी है। साथ ही दोस्तों, उनकी और भी फिल्म है जैसे बड़े मियाँ छोटे मियाँ है, ये फिल्म भी इसी साल रिलीज होने वाली है। तो अक्षय कुमार लगातार फिल्मों में बिजी है। उनकी 4-5 फिल्में इस साल भी डेफिनेटली आने वाली है। तो अब कौन सी फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो गई इसके बारे में आज का वीडियो है। दरअसल दोस्तों, एक फिल्म बनाई जा रही है जिसका नाम है कैप्सूल गिल, और दोस्तों इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं टीनू देसाई इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं, और दोस्तों वासु बगनानी इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इस फिल्म में जो 90 के दशक में जो रानीगंज, बंगाल के रानीगंज में एक खदान में मजदूर फंस गए थे, करीब 65 मजदूर फंस गए थे कोयले की खदान में, वहां से उनको किस प्रकार से रेस्क्यू किया गया, किस प्रकार से बचाया गया, वो जो जसवंत जी गिल है, जसवंत सिंह गिल के नेतृत्व में जो कुछ चीफ कोल इंजीनियर थे, उन्हीं की ये बायोपिक कह सकते हैं आप, उन्हीं की स्टोरी ये कह सकते हैं। तो इस फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ आपको राजेश शर्मा, कुमुद मिश्रा, पवन मल्होत्रा भी प्रमुख भूमिका में नजर आने वाले है। इसके अलावा दोस्तों, परिणीति चोपड़ा उनके साथ लीड एक्ट्रेस के तौर पर यहाँ नजर आएगी। रवि किशन का भी इस फिल्म में एक अहम रोल होने वाला है। साथ ही दोस्तों, सानंद शर्मा जो कि आपके जो टीवी का एक मशहूर सीरियल है बाबी जी घर पर है उसमें आते हैं, तो उनका भी एक अहम रोल इस फिल्म में है। तो काफी अच्छी स्टारकास्ट है और एक जबरदस्ती ये फिल्म बताई जा रही है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस फिल्म को बनाया जा रहा है। और इस फिल्म की सबसे बड़ी खास बात दोस्तों ये है कि इस फिल्म की ज्यादातर शूटिंग लंदन में की गई है। मतलब कि आपके इंग्लैंड का जो यॉर्कशायर शहर है वहां पे एक तरीके से इंडिया को क्रिएट किया गया है। इंडिया मतलब कि जैसे रानीगंज है, रानीगंज की जो खदानें वगैरह है, जो वहां के जो सीन वगैरह है उनको एक तरीके से वहां पे रिक्रिएट किया गया है, ताकि शूटिंग बंगाल जाकर के, रानीगंज जाकर के शूटिंग नहीं करनी पड़े। तो वहां पर ही ये पूरी तरह से वहां पे रिक्रिएट किया गया है। वहां पे भव्य सेट्स बनाए गए हैं और वहां पर ही फिल्म की ज्यादातर शूटिंग हुई है, और करीब 45 से 50 दिन तक इस फिल्म की लगातार शूटिंग हुई है। उसके बाद में इसकी शूटिंग कंप्लीट हो गई है। आपको भी बता दूं कि वहां पर भारतीय तथा पाकिस्तानी लोग काफी बड़ी संख्या में रहते हैं, काफी ज्यादा संख्या में वहाँ स्टूडेंट्स रहते हैं, और कई लोग ऐसे भी है जो वहां पे सर्विस करते हैं, भारतीय तथा पाकिस्तानी लोग, तो वे काफी संख्या में वहां पे आते थे। उन्होंने काफी सपोर्ट फिल्म की यूनिट को किया है, और शूटिंग में भी कई जगह जहाँ पे भीड़ दिखाई जानी थी वहां पर वे लोग नजर आए हैं। तो काफी अच्छी तरीके से इस फिल्म की शूटिंग वहां पे की गई है, और शूटिंग अब लगभग कंप्लीट हो चुकी है। मतलब शूटिंग का वहां से रेपअप हो गया है, फिल्म पोस्ट प्रोडक्शन के स्टेज में चली गई है, और जल्दी ही इस फिल्म का जो बाकी का जो काम है, जो VFX वगैरह है, जो भी काम है वो काम शुरू हो जाएगा, और बाद में ये फिल्म जल्दी ही रिलीज कर दी जाएगी। अब कब तक रिलीज की जाती है इसके बारे में अभी कोई विशेष जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन आपको ये फिल्म जुलाई अगस्त तक देखने को मिल सकती है। जैसे ही फिल्म के बारे में और डिटेलिंग सामने आती है तो मैं आपको तुरंत अपने चैनल पर जानकारी दूंगा। फिलहाल इतना ही। अगर चैनल पर नहीं है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। टेक केयर।